नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की एक महत्वपूर्ण कंडीशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने पहले उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की किसी भी योजना में आपने भवन या फ्लैट के लिए खुद को पंजीकृत किया है और आपको भवन और फ्लैट का आवंटन नहीं हो पाया है, तो आप नई आने वाली किसी भी स्कीम में शेष पंजीकरण राशि का भुगतान करके अपने को खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जो पहले पंजीकरण राशि जो इसी योजना में अगर जो जमा की है उस पे अर्जित ब्याज का भुगतान जो है आपको अंतिम किस्त में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जो है उस पे अर्जित ब्याज का भुगतान जो है आपको अंतिम किस्त में करेगा। तो दोस्तों, ये बड़ी अच्छी मतलब की कंडीशन है। मतलब पहले किस स्कीम में अगर आपको भवन या फ्लैट नहीं मिल पाया पंजीकरण राशि जमा करने के बाद, तो वो पुराना जो पंजीकरण राशि का पैसा है आपका, और आप नई की कोई स्कीम अगर आ रही है तो उसमें शेष पंजीकरण राशि को जमा करके वो पैसा आपका उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, तो आप नई स्कीम में भी पंजीकृत हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये बहुत अच्छी स्कीम है, तो अगर आप कभी भी किसी स्कीम में अप्लाई किया अगर नहीं हो पा रहा है आपका, नहीं हो पाया भवन या फ्लैट का आवंटन, तो आप नई स्कीम में वो आपकी जो पुरानी पंजीकरण राशि है ट्रांसफर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी में जो ऑल का ऑप्शन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।